का धारीवाल के संग ये सारे भाई और बहनें खड़ी हुई हैं। कोई डरने चिंता की बात नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा और हमारे ऊपर हमारा बाप बेटा शांति धारीवाल। तो कहने का मतलब है जब देखो वो है ना टाइगर जिंदा है, सुना है ना, और टाइगर वापस आएगा और टाइगर जिंदा है, शेर अपना कभी अपनी जगह नहीं छोड़ता है, टाइगर अभी जिंदा है। ये बात कहते हुए शेरनी की तरह दहाड़ रही ये महिला ना तो किसी पार्टी की प्रत्याशी है, ना ही किसी सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है, लेकिन फिर भी गली गली घूमकर और चौराहे चौराहे पर शानदार भाषण देकर वोट की अपील कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये महिला चुनावी प्रत्याशी नहीं है तो इतनी दमदारी से वोट किसके लिए मांग रही है, तो इसका जवाब इस महिला के इसी वायरल भाषण में छिपा है। तो पहले भाषण सुन लेते हैं, फिर आगे की सियासी कहानी पर बात करेंगे। कोई डरने और चिंता करने की बात नहीं है, आधी रात को फोन करोगे तो एकता धारीवाल आएगी पहले बचाने के लिए। और एकता धारीवाल के संग ये सारे भाई और बहनें खड़ी हुई हैं। कोई डरने चिंता की बात नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा और हमारे ऊपर हमारा बाप बेटा शांति धारीवाल। तो कहने का मतलब है जब देखो वो है ना टाइगर जिंदा है, सुना है ना, और टाइगर वापस आएगा और टाइगर जिंदा है, शेर अपना कभी अपनी जगह नहीं छोड़ता है, शेर बुड्ढा जाए तो भी कोई शेर का शेर ही रहता है। और बाकी तुम लोग सब शेर हो यार, चलो इस काम में अपन आगे बढ़ेंगे और धारीवाल जी को जिता के ले जाएंगे, वादा करो हाथ खड़े करके जिताओगे। दमदारी से अपनी बात कहती ये महिला राजस्थान सरकार के कद्दावर मंत्री शांति धारीवाल की बहू एकता धारीवाल है। वही शांति धारीवाल जो कौन आला कमान कहे कांग्रेस के आला कमान से सीधे भिड़ गए थे। शांति धारीवाल को कांग्रेस पार्टी ने अपनी सातवीं लिस्ट में कोटा उत्तर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है, जिसके बाद उनका प्रचार पूरे जोरों पर है। शांति धारीवाल के लिए एक ओर जहां सीएम से लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर गली मोहल्ले में लोगों के बीच जाकर उनकी बहू एकता धारीवाल ने प्रचार का मोर्चा संभाल रखा है। कौन है एकता धारीवाल? एकता धारीवाल राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में 3 बार के मंत्री शांति धारीवाल की बहू है। इसके साथ ही कोटा यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स बोर्ड की चेयरपर्सन है, साथ ही सक्षम कल्याण संस्थान कोटा की अध्यक्ष भी है। आपको बता दें कि एकता धारीवाल कोटा में काफी एक्टिव हैं। वो चुनावी साल में ससुर शांति धारीवाल के लिए प्रचार कर रही हैं। इससे पहले कोटा में ससुर शांति धारीवाल के सरकारी कामों में भी एकता का धारीवाल को मदद करते देखा गया है। बीते दिनों उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो कोटा के जेके लेन अस्पताल में जायजा लेने के दौरान अव्यवस्था देखकर भड़क गई और बोली थी कि अस्पताल में अव्यवस्था देख मेरी आत्मा तड़पती है, क्या महिलाओं की औकात नहीं है, आपने पूरे प्रदेश में कोटा की थू-थू करा दी है, मैं डैडी को क्या जवाब दूंगी। इस बीच अब एक बार फिर शांति धारीवाल की बहू एकता धारीवाल के चुनावी भाषण का वीडियो जब से वायरल हुआ है, लोग आने वाले चुनाव में उनकी राजनीति में ऑफिशियल एंट्री की अटकलें लगाने लगे हैं। कोई डरने और चिंता करने की बात नहीं है, आधी रात को फोन करोगे तो एकता धारीवाल आएगी पहले बचाने के लिए। एकता धारीवाल के संग